हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो आपको पता ही है कि हम जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड 2023 के में मैथ्स के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज हम वो सब करा रहे हैं। तो उसी में चैप्टर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। और जो चैप्टर 2 था, अगर उसके आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 3 में जो हमारा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें ये जो 5 क्वेश्चन है ये एक एक नंबर वाले हैं और ये हमारे 2023 बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो ये 5 क्वेश्चन है, तो पहले क्या है, आप इन 5 क्वेश्चनों को देख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। तो पहला इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि समीकरण युग्म cx-6x-3y+10=0 और kx-y+9=0 हो, तो ये क्या है, रेखाएं द्वारा निरूपित क्या हो, समांतर हो। ये क्या रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। तो हमें किसका मान निकालना है, k का। और हमें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 3 और लास्ट ऑप्शन में दे रखा है 6। तो इसमें से हमें बताने, अब एक नंबर का क्वेश्चन है और उसने क्या बोला कि रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। तो समांतर के लिए हमें क्या कंडीशन पता होनी चाहिए, समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम इसका आंसर। तो हमें क्या है, पहले इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन होती है। तो वो होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2। ये हमारी कंडीशन होती है समांतर रेखाओं के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से जो दो समीकरण दे रखी हैं इनकी तुलना करेंगे हम व्यापक समीकरण से और यहाँ से हम निकाल लेंगे इनकी वैल्यू। तो ये हमें पता होनी चाहिए व्यापक समीकरण क्या होती है। तो लिख देंगे व्यापक समीकरण, तो वो हमारी होती है ax+by+c=0। अब जैसे कि यहाँ पर a1 है तो a1 लिख देंगे यहाँ पर, अगर a2 के लिए तो a2 लिख देंगे, उस हिसाब से हम बना लेंगे। अब यहाँ से क्या है, इन दोनों की तुलना करके a1 a2 ऐसी b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 6, ऐसे हम यहाँ b1 का मान निकाल लेंगे कितना हो जाएगा -3 और जो c1 का मान है वो निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 10। ऐसी उसका निकाल लेंगे a2 का मान, वो हमारा कितना हो जाएगा k। यहाँ निकाल लेंगे b2 का मान, वो हमारा कितना हो जाएगा -k1। ऐसे निकाल लेंगे c2 का मान, वो हमारा हो जाएगा 9। तीनों मान हो गए, अब क्या रख देंगे, ऊपर रख देंगे क्योंकि यही होती है समांतर रेखाओं के लिए। तो आ जाएगा a1/a2 = b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इनके मान रख देंगे, जैसे कि a1 का मान है 6 और जो हमारा a2 है उसका मान है k, b2 का मान है हमारा -k3 और b2 का मान है हमारा -k1 और ये बराबर नहीं है तो हम इसे लिख भी नहीं रहे। वैसे लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि हमें इन दोनों का यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा 6/3 के, ठीक है, यहाँ से 6/3 आ जाएगा बराबर k, k का मान आ जाएगा यहाँ से 2, यानी कि 3×2=6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर हम देखें ऑप्शन में तो हमारा जो सेकंड वाला होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखे हमें 3 क्वेश्चन है जिसमें दूसरा है, तीसरा और चौथा। इसमें क्या है, तीनों के तीनों सेम है। तो हम क्या है, इसमें से एक आपको कराएंगे और 2 आपको खुद करके इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना है, एक इसका और एक इसका। सेम मेथड है और कुछ नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए ये भी सेम यही है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन करके दूसरा, इसे पहले मिटा देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसे करते हैं हम सॉल्व। तो आगे दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर। पहले जो हमें 2 इक्वेशन दे रखी है ये दोनों, वो दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं। ये दे रखी है 4x+6y-18=0 और दूसरी हमें दे रखी है 2x+3y-6=0।
तो इसमें क्या है, हमसे ये पूछा है कि बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि जो हमारी ये दो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी। अब इनकी कंडीशन होती है वो निर्भर रहती है A1, A, B, C के मानों पर। तो वो हम निकालेंगे, अगर वो हमारे जिस हिसाब से बैठ रहे होंगे उस हिसाब से हम बता सकते हैं। सेम यही है इन दोनों में भी, क्वेश्चन यही है, मैंने खाली समीकरण लिखती है। अब क्या करेंगे, इनकी व्यापक जो हमारी समीकरण होती है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखवाई थी उससे क्या है, इसकी तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर A1 = 4, B1 = 6, C1 = -18। ठीक है, ऐसी बी वन इसका निकाल लेंगे हम, किसका, A2 का मान कितना हो जाएगा 2, B2 का मान निकाल लेंगे यहाँ से 3, और यहाँ से C2 का मान -6। ठीक है, अब निकालेंगे मान, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ती है A1/A2 की, B1/B2 की और C1/C2 की, तो वो मान हम यहाँ से निकालेंगे। पहले निकालेंगे A1/A2 कितना आ गया, 4/2, तो 2×2=4, यानी कि इसका मान कितना आ गया 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका B1/B2 का मान, तो हमारा कितना आ गया 6/3, 3×6, यानी कि क्या A1/A2 = B1/B2 तो हो रहा है। अब तीसरा और देख लेते हैं, हमारा तीसरा क्या हुआ, तो वो है C1/C2, तो यह आ गया -18/-6, माइनस से माइनस कट गया और 6×3=18, यानी कि 3, यहाँ आया था 2। तो ये कंडीशन हमारी क्या बनती है, A1/A2 = B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, यही कंडीशन बनी है। दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वैल्यू बराबर हमारी नहीं है, कंडीशन ये बन गई। ये कंडीशन कहाँ पर होती है, जब रेखाएं कैसी हों, जब रेखाएं समांतर हों, तभी बनती है। तो इसमें हमसे यही तो पूछा था कि प्रतिच्छेद करेंगी ये रेखाएं या समपाती होंगी या समांतर होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ये कंडीशन है, समांतर रेखा होंगी। तो आपको तीनों कंडीशन वो याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेम ये दो क्वेश्चन है, इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर करके इसका आंसर बताएं। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, लेकिन पहले आप ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन 4 तक, क्योंकि आप ये दोनों करके दिखाएंगे। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि आपका क्या है, HW है। अब क्या है, हम देखते हैं 5वें क्वेश्चन, वो हमें 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि जांच कीजिए कि जो हमारा समीकरण युग्म है, हमें समीकरण दे रखी है 2x+3y = 6 और दूसरी दे रखी है 2x-3y = 12। तो इसमें क्या है, हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। इसमें खाली संगत दे रखा है, तो हमें इसकी जांच करनी है कि ये संगत है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, संगत होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है, वो 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। संगत होने के लिए हमारी पहली कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी होती है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो वो क्या होंगी, हमारी संगत होंगी। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पर हुई तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी संगत। तो हम देखते हैं, वो आगे से हटा देता हूँ, पहले कंडीशन आपको पता चली गई है। अब देखते हैं, हम पहले समीकरण लिख लेंगे यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर। समीकरण दे रखी है x+3y = हमें दे रखा है 6 और एक दे रखी है हमें 2x-3y = 12। सही है, सबसे पहले हमें मान की जरूरत पड़ेगी A1 A2 के, तो वहां से क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से निकालेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर A1 का मान निकाल लेंगे ऊपर से 1 और B1 का मान निकाल लेंगे 3, C1 का मान निकाल लेंगे, इक्वेशन होगी यहाँ पर -6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर A2 का मान निकाल लेंगे 2, B2 का मान निकाल लेंगे -3,
सी टू का मान निकाल लेंगे माइनस के 12, क्योंकि इन दोनों को हम इस साइड ले आ चुके होंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ से वही इक्वेशन निकालेंगे, ए वन अपॉन ए टू कितना आया हमारा 1/2। ठीक है, अब ये निकालेंगे क्या बी वन अपॉन बी टू, वो हमारा कितना आया 3/-3, 3 से 3 कटिए कितना आया -1। यानी कि हमें ये सी वन अपॉन सी टू निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा यही प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है किसके, बी वन अपॉन बी टू। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारी जो रेखाएं हैं यानी कि जो हमारे समीकरण युग्म है, जो भी हमारा समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, हमारा संगत होगा, युग्म संगत। ठीक है, क्योंकि हमें खाली ये कंडीशन देखनी थी। अगर ये कंडीशन की हमें आगे भी जरूरत पड़ती, अगर बराबर लाना हो तो C1/C2, तो हम आगे भी करते। यहाँ पे प्रूफ हो गया तो हमारा ये आ गया। तो ये हमारे एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 2 नंबर वाले होंगे, 4 नंबर वाले होंगे और 5 नंबर वाले होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।